हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी नेचर वर्षा। आज मैं आप लोगों के साथ में एक फेस पैक का रिव्यू करने वाली हूँ। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन होगी उसे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी अपनी कोई न्यू वीडियो डालूंगी उसे सबसे पहले आप अपने फोन पर देख सकोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आप लोगों के साथ में किस फेस पैक का रिव्यू करने वाली हूँ। मेरे पास में है यहाँ पर पपाया का फेस पैक, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का है देखने में। सो गाइस, इसके ऊपर मेंशन किया गया है एल्फ्स गुडनेस पपाया फेस पैक। ये जो मेरे पास में पपाया का फेस पैक है ये एल्फ्स गुडनेस का है। इसे मैंने पर्पल से परचेस किया है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने पर्पल का हॉल शेयर किया था, सो उसमें मैंने इस पपाया के फेस पैक को परचेस किया था। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के चेकआउट कीजिएगा। मैंने उसमें बहुत सारे चीजें परचेस की थी। सो मैंने एक पर्पल का होल शेयर किया था एंड फर्स्ट टाइम मैंने पर्पल से कुछ सामान मंगाया था। आप जाकर के उसमें देख सकते हैं कि किस तरह का पर्पल से मैंने ऑर्डर किया है, क्या क्या मैंने मंगाया है और किस तरह से आया है। सो अगर आपको कुछ चीज अच्छी लगे तो आप भी परचेस कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो वहां से भी उस पर जा सकते हैं, उसे चेकआउट कर सकते हैं एंड उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, इस पर मेंशन किया गया है एल्फ्स गुडनेस पपाया फेस पैक एंड इसका प्राइस है 99 रुपीज। इसका प्राइस है 3 ईयर, इसकी सेल्फ लाइफ है। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। मुझे ये इस तरह से इस कंटेनर में मिला है, मुझे ये किसी भी तरह के डब्बे में या फिर बॉक्स में पैक करके नहीं मिला है। जो मैंने पर्पल का होल से कुछ सामान मंगाया था वो पर्पल के जो बॉक्स होते हैं ना उसमें ही एक जगह पर सारा सामान था। सो वही इसका बॉक्स था मेन एंड बाकी इसका कोई अलग से बॉक्स नहीं था। सो आप देख सकते हैं इसका जो कंटेनर है वो प्लास्टिक का है एंड प्लास्टिक की इसके ऊपर ये कैप दी गई है। आपको इस तरह से इसे ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप और अलग से मिलेगी। इसके बाद ये वाली भी प्लास्टिक की ही है, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का है। एंड टेक्सचर की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है एंड इस तरह लग रहा है इसका टेक्सचर जैसे कि हमने कोई फाउंडेशन अपने फेस पर अप्लाई कर लिया हो। इस तरह से इसका जो टेक्सचर है बहुत ही क्रीमी है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। इसे लेडीज, जेंट्स, गर्ल, बॉय हर कोई इसे यूज कर सकता है एंड ये पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है, सल्फेट फ्री प्रोडक्ट है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया गया है, 100% हर्बल प्योर पपाया से तैयार किया गया है ये। एंड अब मैं आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। आपको इस तरह से इसे डायरेक्ट अप्लाई कर लेना है अपने फेस पर। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके फायदे क्या क्या हैं। अगर आपके फेस पर दाग धब्बे हैं तो आप इस फेस पैक को यूज कर सकते हैं एंड अगर आपके फेस पर झाइयाँ हैं तो भी आप इस फेस पैक को यूज कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। वैसे तो मैंने पपाया का फेस पैक, फेशियल सब कुछ अपने जो चैनल है उस पर ऑलरेडी डाला हुआ है, बट वो DIY है एंड फर्स्ट टाइम मैं ये पपाया का जो मार्केट का फेस पैक है ये यूज़ कर रही हूँ। इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो आपको इस तरह से इसे अप्लाई करना है। अगर आपके फेस पर सन टैन हो गया है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके फेस से पिंपल मार्क्स, एक्ने मार्क्स, झाइया, सनटैन को हमेशा के लिए रिमूव कर देगा एंड बहुत ही अच्छा आपका फेस बना देगा। एंड गाइस, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके फेस पर झाइया हैं और आप बहुत कुछ ट्राई करके थक चुके हैं तो डेफिनेटली आपको पपाया से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज पपाया स्पेशली झाइयों को ही रिमूव करता है फेस से। अगर आपके माउथ के अराउंड ब्लैक पैचेस हो गए हैं तो भी आप इस फेस पैक को यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके फेस से डार्कनेस को भी रिमूव करता है। एंड मैं इसे अपनी फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये आपको ओनली पर्पल पर ही मिलेगा। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आपको ये मार्केट में नहीं मिलेगा एंड आपको ये किसी और साइट पर भी नहीं मिलेगा। आप इसे ओनली पर्पल से ही परचेस कर सकते हैं। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
पर्पल का बाय लिंक डाल दूंगी, आप वहां पर जा करके इस फेस पैक को परचेस कर सकते हैं डायरेक्टली। आप उस लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा, आप डायरेक्टली पर्पल साइट पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप इस फेस पैक को परचेस कर सकते हैं। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इस फेस पैक को टीनेजर्स भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है। एल्फ गुडनेस एंड गुड वाइब्स के प्रोडक्ट 100% हर्बल नेचुरल होते हैं। एंड गाइज, मैं आपको एक बात और बता दूं, इसे मैंने खुद के पैसे से परचेस किया है एंड खुद के एक्सपीरियंस का ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मुझे ये किसी ने गिफ्ट नहीं किया है, ना ही ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसे परचेस कर सकते हैं। बिकॉज मैं किसी के कहने पर नहीं बोल रही हूँ, ना ही कोई ये स्पॉन्सर वीडियो है, किसी ने मुझे स्पॉन्सर के लिए ये पपाया का फेस पैक दिया है। एंड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज जा करके इसे परचेस कर लीजिए। नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कीजिए, अगर नहीं लगे तो मत कीजिए। बट मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपने कलर को फेयर करना चाहते हैं एंड अगर आप एक बेस्ट फेस पैक चाहते हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सके, एंड अगर आपके पास में टाइम नहीं है DIY करने का और आपके फेस पर बहुत सारे दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, तो आप इस फेस पैक को यूज कर सकते हैं। अब मैं इस फेस पैक को अपने फेस पर 15 मिनट तक लगा कर रखूंगी। सो गाइज, मैं मिलती हूँ आपको 15 मिनट के बाद। सो गाइज, मुझे 15 मिनट हो गए हैं अपने फेस पर ये पैक लगाए हुए। आप देख सकते हैं लगभग मेरा पैक सूख गया है, आप देख सकते हैं सूख गया है मेरा पैक। अब मैं अपने फेस को नॉर्मल पानी से क्लीन कर लूंगी। मैं मिलती हूँ आपको अपने फेस को क्लीन करने के बाद। सो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है, कितने अच्छे से स्किन शाइन कर रही है, ग्लो कर रही है। सो गाइज, आप इस फेस पैक को समर्स और विंटर्स दोनों ही सीजन में आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड इस फेस पैक को ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, हर स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं। एंड गाइज, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये आपके फेस को ओवर ड्राई नहीं करता है। सो बहुत ही अच्छा फेस पैक है एंड ऑयली स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके फेस से एक्स्ट्रा ऑयलनेस को भी रिमूव कर देता है। गाइज, आपको ये फेस पैक रेगुलर यूज करना होगा अगर आप अपने फेस से दाग धब्बों को, झाइयों को हमेशा के लिए रिमूव करना चाहते हैं तो, बिकॉज ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक फेस पैक ही है। सो धीरे धीरे ही ये आपके फेस पर असर करेगा, बट आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाएगा। एंड आप इसे समर्स में तो स्पेशली यूज कर सकते हैं, बट इसे विंटर्स में भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये आपकी स्किन को ओवर ड्राई नहीं करता है। सो गाइज, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इस फेस पैक का रिजल्ट कैसा लगा। मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।